सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है उस पर डिस्कशन करना है, और वो पर्टिकुलरली जो अपडेट है वो आपका किसके रिगार्डिंग अपडेट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड अपडेट है, और इस अपडेट में पर्टिकुलरली आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी वो ऑफिशियल है। यह ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, bhuonline.in। इस पे आप सबसे पहले किसी भी ब्राउजर के माध्यम से विजिट करेंगे, और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वही प्रोसेस आपको भी करना होगा। यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, और ये सेक्शन आपको दिख रहा है रिजल्ट ऑफ ई लॉटरी क्लास 6 एंड क्लास 9 का। यहाँ पे आपको पूरा येलो कलर का जो है वो हाइपर लिंक दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमें यहाँ पे एक जो है वो काफ़ी एक यूँ कह सकते हैं कि लिस्ट की जो हाइपर लिंक है वो यहाँ पे दिख रही है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी जो सेट के नाम से जाना जाता है, रिजल्ट ऑफ ई लॉटरी क्लास 6 एंड क्लास 9, यानी क्लास 6 और क्लास 9 के ही रिजल्ट अभी आए हैं। जो क्लास 11th के रिजल्ट हैं वो अभी नहीं आए हैं, वहाँ पे अभी अपलोडिंग की प्रोसेस चल रही थी 30 तारीख तक आपके रिजल्ट की। अभी आगे जो भी अपडेट रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे क्लास 9 फीमेल एम्प्लॉई वार्ड OBC NCL ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग लिस्ट आई हुई है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम किसी पर भी क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे क्लास 9 फीमेल अनरिजर्व पे क्लिक किया हुआ है। अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा लिस्ट यहाँ पे सामने दिखेगा। अब इस लिस्ट में ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो सारी इतनी बड़ी लिस्ट दिख रही है ये सारे लोग सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये सारे लोगों ने फॉर्म भरा था इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये लोग सेलेक्टेड है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 6 लोग जो दिख रहे हैं आपके क्लास 9th में फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में, दे आर सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भी जैसे यहाँ पे क्लास 9th मेल का अनरिजर्व कैटेगरी में हमने देखा था, यहाँ पे जो रेड कलर में आपका नाम लिखा हुआ इस लिस्ट में, वो दे आर सेलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ख्याल ये रखना है, क्लास 9 क्लास 6 दोनों का रिजल्ट आ चुका है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ध्यान ये रखना है कि अब आगे की प्रोसेस कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सतर्क रहेगा आप सभी, बहुत अलर्ट रहेगा। जो भी अपडेट आपको होगा वो आपके BHU यानी कि जो आपका CHS है वहाँ से ऑफिशियली आपको बताया जाएगा, वही काम आप करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि जैसे सिंपल सी बात है, होता क्या प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक अभी काउंसलिंग की डेट आएगी, उस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। चांसेस आर देयर कि आपका व्हाट्सएप नंबर जो आपने दिया होगा कॉन्टैक्ट नंबर, उसके थ्रू एक ग्रुप बना करके, ऑफिशियल ग्रुप होगा वो, और उसके थ्रू भी आपसे कॉन्टैक्ट करा जा सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि काउंसलिंग की डेट आएगी, उस टाइम पर आपको जाना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है CHS प्रशासन द्वारा। लेकिन आपको ये बात ख्याल रखना है कि जैसे मैंने ऑफिशियल बात करी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और वहाँ पे किसी ने कह दिया कि आपका फीस पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है और अब वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस वीडियो में मैं सीधे सीधे आपको डायरेक्ट मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि आपको बहुत अलर्ट रहना है, इस वेबसाइट पर विजिट करते रहना है bhuonline.in पे। कोई भी अपडेट होगा वी विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट। और उसके आगे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, बिल्कुल सतर्क रहेगा, बी विजिलेंट अबाउट दैट, क्योंकि आज के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस पर आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे। और दूसरी चीज़ लास्ट में मैं आपसे कुछ और भी बातें कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखिए, ऐसा ना हो कि आपके जो भी पाल्य हैं या फिर आप खुद ही अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका एडमिशन जो है वो डॉक्यूमेंट की वजह से ना हो सके, ऐसा ना हो, ये बहुत ही आपके लिए मिसफॉर्च्यून होगा आपका, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपको ये BHU का लोगो दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसी के यूँ कहें कि इसी का एक बहुत बेहतर जो है शिक्षा ग्रहण करने का प्लेटफॉर्म है आपका CHS। यहाँ की तैयारी हमारे द्वारा ऑलरेडी कराई जाती है, और यहाँ यानी कि BHU की तैयारी तो ऑलरेडी कराई जाती है, आप चैनल पर देखते भी होंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन से जो आने वाला सेशन है वहाँ से हम CHS के भी कोर्सेज यहाँ पे अपने यहाँ प्रिपेयर कराएंगे। सो जो हमारे हेल्प करने के जो हेल्दी हेल्प करने के जो एक डायरेक्शन थी जो आज आगे बढ़ रही है, उसमें हमारे एक कड़ी और जुड़ चुकी है, और अगली सीरीज आप सबके डिमांड पे वो CHS के लिए होगी। पर्टिकुलरली CHS में हम अलग अलग कोर्सेज हैं, सारे को कवर करेंगे, सारे मेंटर्स दे आर रेडी, बहुत एक्साइटेड हैं। अगर अभी से कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, अब अभी से कॉन्टैक्ट करके अपनी प्री बुकिंग कह लें या फिर हमें सूचित कर सकते हैं कि आपको किस समय से कोर्स जो है वो चाहिए होगा, हम काफ़ी टाइम तक जो है वो आपका टाइम देंगे। देखिए होता क्या है, चीज़ें लास्ट में आप मिशन 30 डेज कभी सुना होगा बैच, आपने कभी 40 डेज का बैच सुना होगा, ये सारे बैचेस जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत रश कर देते हैं, लेकिन आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बस इतना ही था इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन,
जो लिस्ट है उसमें रेड वालों के बाद क्या बाकी बच्चों के हाँ, लिए लास्ट में एक हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने, लास्ट में एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। पूरी लिस्ट आई हुई है, रेड जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी यानी आज के डेट में वो सिलेक्टेड हैं। अगर इनमें से किसी का एडमिशन नहीं होता है तो वो नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। नॉर्मल जब एंट्रेंस एग्जाम होता था तब भी यही सीन हुआ करती थी और आज भी वही सीन है कि जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। चांसेस आ रहे हैं कि ऊपर के स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होंगे तो नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे सिलेक्शन में बुलाया जाएगा या फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा या एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।